नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिपेज गौर में। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत दो बड़े अपडेट यहां पर आपको निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अनुबंध 28 तारीख के बाद से स्टार्ट होने वाले थे, पर अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। पता नहीं कब स्टार्ट होंगे, पर जैसे ही कोई उसके बारे में अपडेट आता है सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल रिपीज गौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको एक भी पैसे नहीं देना है। उल्टे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या अपडेट आया, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक कितने फॉर्म भराए गए। तो यहाँ पर 7.5 लाख के लगभग फॉर्म भरा चुके हैं और 58,000 यहाँ पर रिक्तियाँ ही हैं। ठीक है, मतलब 7.5 लाख युवाओं में से केवल 58,000 युवाओं को ही इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि बाकी के युवाओं का क्या होगा। तो उसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है और यहाँ पर डेली अभ्यर्थी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर अपडेट देखने के लिए सबसे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आप बोलोगे तो ये तो हमें पहले से पता था। नहीं, ये पहले आपका पात्रता पहले से पता है, पर जो साइट में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है योजना के लाभ, आपको योजना से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। ठीक है, इस योजना को आपको ज्वाइन करने से क्या क्या लाभ होंगे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यह प्रतिष्ठान के लाभ या अभ्यर्थी लाभ, उद्योग उन्मुख के प्रशिक्षण मिलेंगे आपको, नवीनतम तकनीकी और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड भी मिलेगा। ठीक है, आप कई बार ऐसा देखते होंगे कि अगर आप कोई काम सीखने जाते हैं तो आपको उसके बदले पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो पर आप जो काम सीखेंगे उसके बदले आपको मिलेगा। ठीक है, आपके 1 साल पूरे होने पर या 6 महीने पूरे होने पर आपको क्या दिया जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड MPSSDEGB द्वारा स्टेट काउंसिल ऑफ वेकेशनल ट्रेनिंग SCVT का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको दिया जाएगा। मतलब सरकारी प्रमाण पत्र, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। सरकारी तो आप सोच सकते हैं कि कितने काम का रहता है सरकारी सर्टिफिकेट। नियमित रोजगार प्राप्त करने की योग्यता आप अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी कंपनी में प्रशिक्षण ले रहे हैं उसमें आप नियमित रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट नहीं करते वो तो आप किसी दूसरी जगह अप्लाई करिए तो आपको जो सरकारी जो वो आपको MP मध्य प्रदेश कौशल विकास रोजगार निर्माण बोर्ड का जो आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, SCVT का जो प्रमाण पत्र रहेगा, वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए आपको एक बार और बता देते हैं कि अनुबंध कहाँ पर शो होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, आपका जो अनुबंध का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा कहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शैक्षणिक योग्यता का विवरण। ठीक है, आपने जो जो शैक्षणिक योग्यता डाली उसका विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स जो आपने सिलेक्ट किया है उसका, और यहाँ पर आपको साइट में दिखेगा अनुबंध का ऑप्शन। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो आपको एक और ऑप्शन दिखा देते हैं। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको यहीं पर अनुबंध का ऑप्शन शो होने लगेगा। कहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी आपका अनुबंध का ऑप्शन शो हो सकता है। आपने जितने जिले सिलेक्ट किए हैं अच्छी बात है, और आपको पूरे 30 एक ID में आप 30 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको 300 कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 300 कोर्स सिलेक्ट कर लेना ताकि किसी में आपको तो ज्वाइनिंग मिली जाए। तो दोस्तों, ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्दी मिलेंगे। तो पहले दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।